हेलो दोस्तों, मेरा नाम है किशन और स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज मैं हूँ दोस्तों शिवरी नारायण और आपसे शेयर करूँगा इस जगह के बारे में कुछ खास बातें। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यह जो शिवरी नारायण है यह हमारे भारत का पांचवा धाम कहा जाता है और हमारे छत्तीसगढ़ का गुप्त धाम कहा जाता है। कहा जाता है कि वनवास काल के समय भगवान राम को शबरी माता ने यही जूठे बेर खिलाए थे, जिसके कारण इस जगह का नाम शबरी नारायण हो गया और धीरे धीरे शिवरी नारायण हो गया। यह जो जगह है दोस्तों, यह हमारे बिलासपुर से 64 किलोमीटर की दूरी पर और रायपुर राजधानी से 120 किलोमीटर की दूरी पर रायगढ़ के रास्ते में महानदी तट के किनारे पर स्थित है दोस्तों। आप यहां बस या बाइक के द्वारा आ सकते हैं। यहां एक मंदिर है दोस्तों, लेकिन यहां जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जो मेन मंदिर है, वो नर नारायण मंदिर है, जिसका निर्माण राजा शबर ने 9वीं से 12वीं शताब्दी में किया था। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ कुछ प्राचीन मंदिर भी विद्यमान है दोस्तों, जैसे कि यहाँ एक चंद्रचूड़ महादेव मंदिर और केशव नारायण जी का मंदिर है जो बहुत ही फेमस है। यह जो सामने आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, यह चंद्रचूड़ महादेव मंदिर है जो 9वीं शताब्दी में बना हुआ है, जो कि एक प्राचीन मंदिर है जिसे सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित किया गया है दोस्तों। यह जो मंदिर है दोस्तों, यह भी एक प्राचीन स्मारक है, इसे केशव नारायण जी का मंदिर कहते हैं। यह पूरी ईंटों से बना है, लाल ईंटों से बना है और इसकी जो कारीगरी है और जो हस्तशिल्प है वो काफ़ी कुछ शिरपुर के मंदिर की तरह है दोस्तों। को देखने के लिए दोस्तों हर दिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं और यहाँ मेला भी लगता है हर साल। यहाँ के हर मंदिर को आप देखेंगे तो आपको उसकी सौंदर्य देखते ही बनेगी दोस्तों। तो अगर आप कभी भी शिवरी नारायण आना चाहेंगे तो बिल्कुल इन मंदिरों को विजिट कीजिएगा।
है दोस्तों, सूर्यनारायण का सावघाट जो महानदी के तट पर स्थित है, यहाँ से होकर महानदी चंद्रपुर के चंद्रहासिनी मंदिर जाती है। दोस्तों यह जो सावघाट है, यहाँ लोग स्नान करने आते हैं जब भी वो सूर्यनारायण मंदिर आते हैं। बेशक दोस्तों, यह जो सूर्यनारायण है, यह अपने सौंदर्यता के लिए पूरे भारत में, पूरे छत्तीसगढ़ में गुप्त धाम के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दिन नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।